हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल टेस्ट सीरीज ये 50-50 जीके और जीएस करंट अफेयर्स के सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये सेट नंबर 127 है। इसके पहले का सेट नंबर अगर आपको देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर ही हम हरेक सेट प्रैक्टिस का पीडीएफ अवेलेबल करवा देते हैं, तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आप वहां पे जाके उसका रिविजन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। विदाउट सोल्यूशन किया हुआ और सोल्यूशन किया हुआ दोनों प्रकार का पीडीएफ वहां आपको आसानी से मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। और ऐसा भी नहीं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद क्वेश्चन लेके और उससे हट जाना है, क्योंकि डेली हम अपडेट करते हैं वहां पे क्वेश्चन, तो आपको डेली वहां पर मिल पाए इसके लिए आप जुड़ के रहिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स बता देते हैं कि जो भी एनसीईआरटी कलेक्शन क्वेश्चन होता है वो भी हम वहां अपलोड करते हैं, तो वो भी आपको समय पर जरूर मिलेगा। एग्जाम से पहले कलेक्शन जो होता है क्वेश्चन का वो भी आपको वहां पर मिलेगा, तो उसको जरूर लीजिएगा। इसके लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के रहिएगा। फ्रेंड्स ये 127 नंबर से प्रैक्टिस इस 50 क्वेश्चन के सीरीज में हम आपको जीके जीएस के हर सब्जेक्ट से एक निश्चित रेशियो में क्वेश्चन को दिया करते हैं और उसका सॉल्यूशन भी उसके ठीक बगल में लिखते हैं, ताकि आपको कंसेप्चुअल तरीका से रिवीजन हो सके, याद रह सके और आगामी एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिट आपके लिए हो सके। फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देने का प्रयास हम करते हैं, उसका सॉल्यूशन भी एनसीईआरटी बेस्ड करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होता है, प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन भी होता है, जिस आधार पर आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। आगामी बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी मेंस एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार सिविल कोड, शिक्षक भर्ती के लिए, एसएससी के अन्य एग्जाम्स के लिए तथा रेलवे के लिए खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित होगा। तो फ्रेंड्स चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर सेट प्रैक्टिस का। उसके पहले अगर इस टेलीग्राम इस यूट्यूब चैनल पर आप नए होंगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर ऐसा लगता है कि वीडियो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए खूब मेहनत से हम क्वेश्चन को तैयार करते हैं और उसका एनालिसिस लिखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुष की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड, क्योंकि हम पहले ही आपको बता दिए कि 50 क्वेश्चन के सीरीज में हम आपको जीके जीएस के हर सब्जेक्ट से जोड़ के रखने का प्रयास करेंगे इसी 50 क्वेश्चन में, और एक फिक्स्ड रेशियो के रूप में क्वेश्चन को डालने का प्रयास करते हैं, जो आपके शुरू के स्क्रीन में लिखा हुआ रहता है कि कौन से क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाल रखे हैं। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड और जनगणना से रिलेटेड। क्लियर? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुष की जनसंख्या का प्रतिशत कितना प्रतिशत है, तो ध्यान रखेंगे 52.14% जो है वो पुरुष की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब थोड़ा सा इसको डिटेल रूप से अगर देख लेते हैं तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो 10,40,99,452 है, और इसमें से पुरुषों की संख्या जो है वो 5,42,78,157 है, जो कुल बिहार की जनसंख्या का 52.14% पुरुष की जनसंख्या है। इसके अलावा साथ ही ये भी याद रखेंगे कि महिलाओं की संख्या बिहार के कुल जनसंख्या का 4,98,21,295 महिला की संख्या है, और प्रतिशत के रूप में अगर देखेंगे तो कुल जनसंख्या का बिहार के कुल जनसंख्या का 47.84% जनसंख्या जो है वो महिला की है। क्लियर? कुल जनसंख्या के संदर्भ में बिहार जो है वो देश में तीसरे स्थान पर आता है। यहां देश की कुल जनसंख्या का अगर ध्यान देंगे तो 8.60% जनसंख्या निवास करती है। क्लियर? आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जनसंख्या के लिहाज से पहले स्थान पर जो है वो उत्तर प्रदेश का स्थान आता है और दूसरे स्थान महाराष्ट्र का आता है। क्लियर? यह भी ध्यान, तीसरे स्थान पर तो अपना बिहार है जो कुल भारत के ओवरऑल जनसंख्या का 8.6% अपने पास रखता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आप देख लिया जाए बिहार का, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो पटना जिला में निवास करती है, 58,38,465 व्यक्ति निवास करते हैं पटना जिला में, जो कि सबसे ज्यादा है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है बिहार का वो शेखपुरा जिला है, और यहां पर 6,36,342 लोग निवास करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। तो स्थायी बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया था बंगाल और बिहार के क्षेत्र में। ध्यान रखेंगे स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत ध्यान रखेंगे तो इसे जमींदारी व्यवस्था, ध्यान रखेंगे स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था या इसे ही इस्त मरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सन 1793 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल
बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस, झारखंड तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भूभाग पर यह स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है, क्लियर। अब और भी ध्यान देंगे, रैयत बाड़ी व्यवस्था एक इसी से रिलेटेड था। रैयत बाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई थी रैयत बाड़ी व्यवस्था। ध्यान देंगे, रैयत बाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुनरो ने इसे 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में 51% भूभाग पर लागू किया था, क्लियर। यानी कि रैयत बाड़ी व्यवस्था जो भारत में लागू किया था वो थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में 51% भूभाग पर लागू किया गया था, क्लियर। महालवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू की गई भू राजस्व की एक प्रणाली थी। यह भू राजस्व भारत के 30% भूभाग पर लागू किया गया था। कई बार प्रतिशत के लिहाज से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो ध्यान रखेंगे, अस्थायी बंदोबस्त कुल क्षेत्रफल भारत के कुल ब्रिटिश भूभाग के क्षेत्रफल का 19% भूभाग पर लागू किया गया था। रैयत बाड़ी व्यवस्था 51% भूभाग पर लागू किया गया था और महालवाड़ी व्यवस्था 30% भूभाग पर लागू किया गया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार पहलू ट्रिप्स तथा व्यापार से संबंधित निवेश उपाय ट्रिम्स क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डंकन प्रस्ताव के तहत इन दोनों को लागू किया गया था। आप जरा ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि ट्रिप्स क्या है। ट्रिप्स का पूरा रूप होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या बौद्धिक संपत्ति के अधिकार के न्यूनतम मानकों को तय करता है। उसे 1994 ईस्वी में गैट जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ गैट के 8वें चक्र के अंत में तय किया गया था, जिसे 1995 ईस्वी में ट्रिप्स को लागू किया गया था, क्लियर। अब बात करते हैं ट्रिम्स। ट्रिम्स क्या है, तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यह केवल वस्तुओं के व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर लागू किया जाता है। अब यह डंकन प्रस्ताव क्या है जिसके तहत यह ट्रिप्स और ट्रिम्स को लागू किया गया था, तो इसे वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाता है, यह डंकन प्रस्ताव को, क्लियर, WTO के नाम से जाना जाता है। हालांकि 1991 ईस्वी में गैट जो था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ जिसे कहा जाता है, गैट जो था इसके तत्कालीन महानिदेशक आर्थर डंकन ने उरुग्वे दौर का अंतिम प्रारूप के रूप में प्रस्तुत किया था, जिस कारण से इसे डंकन प्रस्ताव कहा जाता है। कहने का यह मतलब है कि 1991 ईस्वी में गैट जो पहले था उसी को परिवर्तित नाम कर दिया गया, उसी को बदल दिया गया और नाम रखा गया WTO। और यह WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रस्ताव उस समय के तत्कालिक गैट के तत्कालिक महानिदेशक आर्थर डंकन के द्वारा उरुग्वे दौरे में किया गया था, अतः इसलिए WTO का गठन कहा जाता है डंकन प्रस्ताव के तहत किया गया था और इसी के तहत ट्रिप्स और ट्रिम्स को व्यवस्था को लागू किया गया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चर्म रोग के उपचार में उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप क्या होता है। रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है जो चर्म रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप जो होता है उसकी ओर अगर ध्यान देते हैं तो वो है रेडियो फॉस्फोरस। रेडियो फॉस्फोरस नामक रेडियो ये आइसोटोप का प्रयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, फॉस्फोरस 32 कौन सा समस्थानिक, ये फॉस्फोरस का कौन सा समस्थानिक आइसोटोप का, तो फॉस्फोरस 32 इस रेडियो समस्थानिक का उपयोग हड्डी के कैंसर उपचार के लिए आनुवंशिकी और आणविक जीव विज्ञान तथा त्वचा रोग के उपचार में किया जाता है। यानी दोनों रूप से, हड्डी के कैंसर उपचार के लिए आनुवंशिकी तौर पर किया जाता है तथा त्वचा रोग के उपचार में फॉस्फोरस 32 आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है, क्लियर। अब कोबाल्ट 60 जरा ध्यान दे लेते हैं, रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 जो है इस रेडियो समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए, खाद्य विकिरण के लिए, रेडियोग्राफी में प्रयुक्त शल्य चिकित्सा उपकरण की सफाई करने के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, क्लियर। अब ध्यान देंगे, विटामिन B12 में कोबाल्ट 60 मौजूद होता है, ये एक रेडियो आइसोटोप होता है।
आयोडीन 131 की अगर बात करें, यानी आयोडीन का समस्थानिक 131 का अगर बात करें हम, तो यह रेडियो समस्थानिक का उपयोग थायराइड कैंसर एवं थायराइड के रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। आयोडीन 125 का अगर बात करेंगे तो इस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग आंख के कैंसर उपचार के लिए किया जाता है। क्लियर है, सभी के बारे में डिफाइन कर दिया, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा भी होता है तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि हम आप ही के यूजफुल चीजों को बताने के लिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो आप इसको पूरा देखने का प्रयास करिएगा, मजा आ जाएगा। और अगर सही तरीके से आप तैयारी करते होंगे तो निश्चित तौर पर हम वादा आपसे करते हैं कि आपको जरूर इंटरेस्ट आएगा, जरूर मजा आएगा और रेगुलर वीडियो को आप देखना चाहिएगा। कुछ स्टूडेंट है जो मैसेज करते हैं कि क्या ये सेट प्रैक्टिस डेली चलता है, तो आपको बता दें कि हमें हमारे अभाव के कारण अब ये डेली नहीं चलता है सेट प्रैक्टिस। ये वीडियो को बना के हम अपलोड कर दिया करते हैं और आपको ये रिवीजन ही देखना पड़ेगा, अपलोडेड क्लास ही देखना पड़ेगा। कुछ समय में हालांकि लाइव क्लास चलेगा तो उसको हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। और कुछ स्टूडेंट को साउंड संबंधी प्रॉब्लम नजर आता है तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, उसको मैनेज कीजिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, प्रयास कीजिएगा कि थोड़ा बहुत एक दो से प्रैक्टिस में अगर इस तरीका का सिम्टम्स आता भी है, प्रॉब्लम्स आता है, तो उसको मैनेज कीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास वो तरीका का साधन नहीं है जिसके तहत हम क्विकली उसको सुधार सकते हैं। तो कोई कोई से प्रैक्टिस में आ जाता है ऐसा प्रॉब्लम, तो आप उसको मैनेज कीजिएगा और इसके लिए क्षमा प्रदान कीजिएगा। क्लियर, और आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें बढ़ावा मिले, ये केसीसी यूट्यूब चैनल को बढ़ावा मिले और हम आपके लिए कंटेंट को तैयार करते रहे। फ्रेंड्स, पांचवा क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक को अपेक्षाकृत न्यूनतम परिमाण में वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वार्षिक वर्षा भारत में किन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत न्यूनतम परिमाण में वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। क्लियर, यानी वर्ष में सबसे कम वर्षा जो प्राप्त होती है वो किन क्षेत्रों में प्राप्त होती है, तो ध्यान दीजिएगा, भारत के वर्षा प्राप्ति के आधार पर क्षेत्रीय विभाजन जो किया गया है वो कुल 5 प्रकार का क्षेत्रीय विभाजन भारत में किया गया है वर्षा प्राप्त करने के आधार पर। क्लियर, जिसमें से चरम वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है, भारी वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत, मध्यम वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत, अल्प वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत और रेगिस्तान और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र वर्षा क्षेत्र के आधार पर किया गया है। क्लियर है, अब सबसे पहले इसका आंसर बता देते हैं, तब इसका हम आपको पूरा रिवीजन करवाने का प्रयास करेंगे, ध्यान रखेंगे। उत्तर पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां पर भारत में न्यूनतम परिमाण में वर्ष भर में वर्षा प्राप्त होती है। क्लियर, ऑप्शन बाई ऑप्शन के अनुसार आपका यह सही हो गया। अब भारत में वर्षा प्राप्त होने के आधार पर क्षेत्रों का जो विभाजन है, सबसे पहला क्षेत्र आता है चरम वर्षा क्षेत्र, और यहां पर औसत वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर का होता है और यह क्षेत्र जो है वो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम घाटी में आता है। क्लियर, दूसरा जो क्षेत्र होता है वर्षा प्राप्त करने के आधार पर भारत में, वो होता है भारी वर्षा क्षेत्र, यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है और इन क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, ओडिशा और बिहार का स्थान आता है। क्लियर, मध्यम वर्षा क्षेत्र के आधार पर अगर देखेंगे, तीसरा विभाजन जो होता है वार्षिक वर्षा के आधार पर भारत का, वो है मध्यम वर्षा क्षेत्र और यहाँ पर बारिश औसतन वर्ष भर में 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है और इन क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी घाटी को रखा जाता है। अल्प वर्षा क्षेत्र भी होता है भारत में चौथे स्थान पर, यहाँ बारिश जो होती है वर्ष भर में औसतन 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। क्लियर, और पांचवें स्थान पर जो क्षेत्र आता है वो रेगिस्तान और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र आता है जहां सबसे कम बारिश होती है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर बारिश होती है वर्ष भर में जो कि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में देखने को मिलता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से क्रांतिकारी थे जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे। तो चंद्रशेखर आजाद जो है वो फांसी की सजा, हालांकि काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल थे, काकोरी षड्यंत्र कांड में ये भी शामिल थे, लेकिन ये फांसी की सजा से बच गए थे। अब जरा देखेंगे ये षड्यंत्र केस कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में
8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन नाम था। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया था। खजाना लूटने का विचार जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल का था। इस घटना ने अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी की सजा दी गई थी, परंतु चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे और सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास इसके तहत दी गई थी। साथ ही मनमंथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद की सजा हुई थी। क्लियर। काकोरी रेल डकैती का नाम हाल ही में काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से कर दिया गया है। क्लियर, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किसके सम्मान में 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे घोषित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रदीप कुमार बनर्जी के याद में। प्रदीप कुमार बनर्जी कौन थे, आप जरा इसकी ओर ध्यान दीजिएगा। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने दिवंगत भारतीय फुटबॉल आइकन प्रदीप कुमार बनर्जी की विरासत को सम्मानित करने के लिए 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे के रूप में घोषित किया है। प्रदीप कुमार बनर्जी जिन्हें पी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 1960 ईस्वी के रोम ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तानी की थी और एक खिलाड़ी और कोच दोनों के रूप में उनका सफल कैरियर रहा था। AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की अगर बात करें तो यह भारत में फुटबॉल का राष्ट्रीय शासी निकाय है। यह फुटबॉल का अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय फीफा तथा एशियाई फुटबॉल परिसंघ का भी सदस्य है। इसकी स्थापना की बात करें तो 23 जून 1937 ईस्वी में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना किया गया था तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च निकाय इनमें से कौन सी होती है। तो ध्यान दीजिएगा दो बातों, एक तो पंचायती राज व्यवस्था को तैयार करने की योजना किसकी होती है, तो नीति आयोग पहला चीज। दूसरा, अनुमोदन, अंतिम अनुमोदन इसका कौन प्रदान करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा इसका अनुमोदन तैयार किया जाता है। अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद होता है। क्लियर। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसकी जिम्मेवारी योजना आयोग, इसको बनाने की जिम्मेवारी, पंचवर्षीय योजना को बनाने की जिम्मेवारी योजना आयोग को होती है। अब तो योजना आयोग नहीं रह गया। योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था, 15 मार्च को 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। लेकिन आप ये भी ध्यान रखेंगे इसके स्थान पर 2015 को नीति आयोग बना दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से यही योजना आयोग को बनाया गया। क्लियर। तो पंचवर्षीय योजना को बनाने की जिम्मेवारी नीति आयोग की अब वर्तमान समय में योजना आयोग की थी, वर्तमान समय में वही योजना आयोग नीति आयोग बन गया। क्लियर है। जबकि इसे अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है, NDC होता है। पंचवर्षीय योजना प्रत्येक 5 वर्ष पर तैयार किया गया एक योजना होता है। अब ध्यान देंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC का गठन कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को NDC की स्थापना हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य का उद्देश्य दिसंबर 2023 तक अफस्पा का वापस लेना है। तो अफस्पा ध्यान देंगे असम राज्य से संबंधित एक क्षेत्र है। अब ये अफस्पा क्या होता है जरा इसको समझिएगा। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने 22 मई 2023 को घोषणा किया है कि राज्य 2023 के अंत तक सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफस्पा जिसे कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कहा जाता है, इसको पूरी तरह से वापस लेने का लक्ष्य रखा है। असम को 27 से 28 नवंबर 1990 की मध्यरात्रि के दौरान अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था और तब से हर 6 महीने में यह बढ़ाया जाता रहा है, जो कि वर्तमान समय में अब वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने इस अफस्पा को पूरी तरह से वापस लेने का लक्ष्य रखा है 22 मई 2023 को घोषणा के तहत। क्लियर। ध्यान देंगे सशस्त्र बल यानी विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 ईस्वी भारत की संसद का एक अधिनियम है जो अशांत क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व गारंटी के
अभियान चलाने और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा विभाग सुश्रुत जयंती के अवसर पर एक सेमिनार में शल्य कौन नामक प्रतिष्ठित कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है या आयोजन करेगा? तो ध्यान देंगे, शल्य तंत्र विभाग। शल्य तंत्र विभाग जो है वो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान का विभाग है जो सुश्रुत जयंती के अवसर पर एक सेमिनार में शल्य कौन नामक एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ध्यान दीजिएगा, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान AIIA सुश्रुत जयंती 2023 के शुभ अवसर पर 13 से 15 जुलाई 2023 तक 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन शल्य चिकित्सा के जनक कहे जाने वाले महान सुश्रुत को सम्मानित करने के लिए हर साल 15 जुलाई को सुश्रुत जयंती मनाया जाता है। इस महान शख्सियत और सर्जरी के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को याद करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान का शल्य तंत्र विभाग ने शल्य कौन नामक एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त होती है? ध्यान देंगे, ऑप्शन में है राज्य के महाधिवक्ता, बिल्कुल सही है, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की, ये भी सही है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उसके सदस्यों को भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ये भी सही है। तो इनमें से सभी कथन जो दिया हुआ है वो राज्यपाल के नियुक्ति के विषय में बिल्कुल ही सही बात है कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ध्यान देंगे, राज्यपाल की चर्चा संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का एक पद होगा जिसकी चर्चा किया गया है। क्लियर। राज्य की कार्यपालिका का प्रावधान राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है, लेकिन ध्यान देंगे वास्तविक प्रधान कौन? मुख्यमंत्री होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसकी नियुक्ति यानी राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, परंतु यानी ये भी रखेंगे कि राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद को यह धारण किए हुए रहता है। सामान्यतः 5 वर्ष के लिए इसे नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, अर्थात जब राष्ट्रपति चाहेंगे तब यह पद वापस उसे ले सकते हैं। क्लियर। इसी को कहा जाता है प्रसाद पर्यंत, यह गया प्रसाद है। क्लियर। राज्यपाल संविधान राज्य के संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। क्लियर। और अगर राज्यपाल को अपने पद से त्याग पत्र देना होगा तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र देगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावास की स्थापना की थी? खूब इंपॉर्टेंट है, टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान जिसे मैसूर का शेर कहा जाता है, शेर मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता है, इनके द्वारा ही विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावास की स्थापना की गई थी। जरा ध्यान दीजिएगा, टीपू सुल्तान जो थे वो प्रथम भारतीय शासक था जिसने देशी प्रशासन में पाश्चात्य प्रशासन का मिश्रण किया। उसने अपनी राजधानी में फ्रांस एवं मैसूर की मित्रता का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू ने विदेशों से मित्रता एवं सहायता के उद्देश्य से अपने राजदूत मॉरिशस, अफगानिस्तान, अरब, पुश्तून-तूनिया, तुर्की तथा फ्रांस में भेजे थे। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना तथा 1787 ईस्वी में अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम में पादशाह की उपाधि धारण करके की थी। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान अंग्रेजों से युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति क्या होती है? तो यह एक समन्वयन और प्रवेक्षी प्राधिकारी के रूप में काम करती है, ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति। अब ध्यान देंगे, भारतीय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया गया है। क्लियर। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया गया है, जिसे 1993 ईस्वी में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्लियर है। अभी ये ध्यान देंगे, पंचायती राज्य पंचायत समिति जो है अब त्रिस्तरीय में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय कौन सा है? तो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, पंचायत समिति और जिला परिषद, पंचायत समिति और जिला परिषद, यही त्रिस्तरीय है। क्लियर। अब आप ये ध्यान रखेंगे
कि पंचायती पंचायत समिति जो है वो मध्यम का काम करता है, मीडियेबल का काम करता है। किसके किसके बीच? ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच मीडियेबल का काम करता है पंचायत समिति। यह एक समन्वयन यानी दोनों के बीच, ग्राम पंचायत और जिला परिषद दोनों के बीच समन्वयन एवं पर्यवेक्षी प्राधिकारी के रूप में काम करता है। अगर ग्राम पंचायत को बतियाना है जिला परिषद से तो कौन बात करने में अहम भूमिका निभाएगा? पंचायत समिति। और अगर जिला परिषद को यहाँ तक पहुंचना है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार? पंचायत समिति। उसके लिए ही मीडियेबल का काम करेगा। तो ध्यान रखेंगे यह एक समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी होता है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच। क्लियर। पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा या मध्यम स्तर है। वास्तव में यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की एक कड़ी होता है। प्रत्येक 5000 की आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। पंचायत समिति का प्रधान अधिकारी प्रमुख होता है, जिसे प्रमुख कहा जाता है। पंचायत समिति का यह प्रधान अधिकारी होता है प्रमुख, जो समिति की बैठक बुलाता है तथा उसकी अध्यक्षता भी यह करता है। पंचायत समिति का पदेन सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसे BDO कहा जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। यह प्रमुख के आदेश पर समिति की बैठक को बुलाता है। क्लियर। पंचायत समिति के क्या कार्य होते हैं? तो सभी ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करना इसका काम होता है। इसके अलावा समेकित योजना को जिला परिषद में प्रस्तुत करना भी इसका मुख्य कार्य होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित होता है? तो सूर्य तथा चंद्रमा के बीच सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण हो जाए तो ऐसे स्थिति में ज्वार एवं भाटा आता है। अब ऐसा, अब ज्वार किसको कहेंगे? ज्वार कहेंगे जब जल स्तर, समुद्री जल स्तर ऊपर की ओर उठता है तो इसे कहेंगे ज्वार। क्लियर। इसे कहेंगे ज्वार। और जब समुद्री स्तर जो है वो नीचे की ओर गिरता है, यानी यही उठा हुआ जल स्तर नीचे की ओर गिरता है, तो इसे कहा जाता है भाटा। यानी अंग्रेजी में कहेंगे तो ईब एवं डिक्रीज, डिक्रीज। क्लियर। ईब का मतलब ज्वार और भाटा डिक्रीज होता है। क्लियर। सूर्य या चंद्रमा के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का वह भाग जहां जल मौजूद होता है वहां प्रत्येक 12 घंटा 36 मिनट के अंतराल पर ज्वार एवं भाटा उत्पन्न होता है। क्लियर। अब ध्यान देने वाली बात है, ये ज्वार और भाटा निम्न भी हो सकता है और उच्च ज्वार भाटा भी उत्पन्न होता है। क्लियर। उच्च ज्वार भी उत्पन्न हो सकता है, निम्न ज्वार भी उत्पन्न हो सकता है। तो इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, उच्च ज्वार कब उत्पन्न होगा जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। तो जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे से अगर समकोणित अवस्था में है, मान लिया जाए कि सन यहां है, अर्थ यहां पर है और मून यहां पर है, तो समकोणित अवस्था में 90 डिग्री है। तो अगर समकोणित अवस्था में है तो इस दिन 15-20% हाई ज्वार, हाई ईब उत्पन्न होगा। सॉरी, जब समकोणित अवस्था में, सॉरी समकोणित अवस्था में तो निम्न ज्वार उत्पन्न होता है 15-20% जो है वो निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। निम्न ज्वार उत्पन्न होता है जब समकोणित अवस्था में हो। और जब तीनों एक सीध रेखा में हो, 180 डिग्री पर हो, तो उस समय मान लीजिए सन है, अर्थ है और मून है, अगर एक सीध रेखा में हो 180 डिग्री पर हो, तो ऐसे स्थिति में 15-20% जो होता है वो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। सामान्य की तुलना में उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। अब कब निम्न ज्वार उत्पन्न होता है ये भी ध्यान रखेंगे। तो निम्न ज्वार की घटना कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को घटित होती है, जबकि उच्च ज्वार जो होता है वह पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन दिखाई देता है। ज्वार भाटा के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? न्यूटन नामक विद्वान ने बताया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 के संबंध में सही कथन पर आपको विचार करना है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023, तो ध्यान देंगे यह दिन मई 1998 में सफल परमाणु परीक्षण की याद में मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, याद में मनाया जाता है। दूसरा कथन है, 1998 ईस्वी में भारत दुनिया का 5वां परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया था। बिल्कुल गलत बात है, भारत दुनिया का 6ठा परमाणु शक्ति संपन्न बना था, न कि 5वां। क्लियर। तीसरा कथन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 का विषय सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ये भी गलत है। क्लियर। इसका मतलब केवल कथन एक ही सही कथन है। अब जरा इसको विस्तारित रूप में हम लोग देखेंगे। तो पोखरण सेकेंड जो कि 11 मई 1998 ईस्वी में घटित हुआ था, इसकी सफलता के बाद सरकार ने 1998 ईस्वी में 11 मई को
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में घोषित किया था। बिल्कुल ही सही है, क्लियर। 11 मई 1998 में भारत में भारतीय सेना के पोखरण परीक्षण रेंज जो राजस्थान में है वहां पर 3 परमाणु बम विस्फोट किया था। 2 दिन बाद देश में उसी पोखरण द्वितीय के हिस्से के रूप में 2 और परमाणु परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण 13 मई 1998 को किया गया था, यानी 11 मई और 13 मई को। ये दोनों दिनों में सम्मिलित रूप से 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे जिसे संयुक्त रूप से शक्ति 98 नाम दिया गया था। वर्ष था 1998 तो शक्ति 98 नाम दे दिया गया, क्लियर। 1998 में भारत विश्व राष्ट्र के परमाणु समूह में शामिल होने वाला 6ठा देश बन गया। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और 6ठे स्थान पर भारत बना था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 की थीम की बात करें तो स्कूल स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट रहा है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धम्म और संघ के प्रति एक विश्वास प्रकट करता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाब्रू लघु शिलालेख जो है वो अशोक के द्वारा शिलालेख, अब देखेंगे लेख लिखने की अभिलेख लिखने की प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा? सर्वप्रथम मौर्यकालीन शासक सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। इन्होंने अपने अभिलेख को 3 रूपों में लिखा था और 4 भाषाओं में लिखा था। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं आर्मेनिक भाषा में लिखा था, जबकि 3 रूप में शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा लेख के रूप में अपने अभिलेख को प्रकट करवाया था, अपने अभिलेख को लिखवाया था या उत्कीर्ण करवाया था, जिसमें से अशोक ने बुद्ध धम्म और संघ इसमें विश्वास जो प्रकट किया है वो भाब्रू शिलालेख में प्रकट किया है। यह भाब्रू शिलालेख जो है, भाब्रू अभिलेख जो है वो जयपुर बैराट राजस्थान में स्थित है। इस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है। उसने बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त भी की है। यह बौद्ध भिक्षुओं को संबोधित भी किया गया है इसमें, और इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ का उल्लेख मिलता है, क्लियर। अब ऑप्शन नंबर 1 की ओर चलेंगे, रुम्मी देई स्तंभ लेख। रुम्मी देई स्तंभ लेख जो है इसे लुम्बिनी अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, और यह अशोक के द्वारा लिखा गया सबसे छोटा स्तंभ लेख है। इसी अभिलेख में अशोक ने बलि नामक कर को समाप्त कर देने का उल्लेख भी किया है। यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, क्लियर। मास्की अभिलेख की बात करेंगे तो यह कर्नाटक के रायचूर जिला में स्थित है, जिसमें अशोक का नाम अशोक तथा बुद्ध शाक्य से प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 4थी ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा? वो शहर है गोवा। गोवा राज्य जो है वो भारत के G20 अध्यक्षता के तहत 4थी ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ध्यान रखेंगे भारत G20 अध्यक्षता के तहत 4थी ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक 19 से 20 जुलाई 2023 के दौरान गोवा में आयोजित किया जाना है। इसके उपरांत 22 जुलाई 2023 को G20 ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक होगी, जो केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। G20 ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक के बाद केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर और 22 जुलाई 2023 को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ किया जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल साम्राज्य का जयजाक भुक्ति नामक किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ है? ध्यान देंगे जय शक्ति, ये चंदेल राजा जय शक्ति के नाम से जयजाक भुक्ति नाम का उल्लेख किया गया है। ध्यान देंगे प्रतिहार साम्राज्य के पतन के पश्चात बुंदेलखंड के भूभाग पर चंदेल वंश के स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ होता है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जयजाक भुक्ति है। महोबा से प्राप्त एक लेख से पता चलता है कि इस वंश के तीसरे शासक जय शक्ति ने अपने द्वारा शासित प्रदेशों का नामकरण अपने नाम पर जयजाक भुक्ति अथवा जेजा भुक्ति किया था। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने 831 ईस्वी में किया था। इसकी राजधानी खजुराहो थी, हालांकि प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर यानी महोबा थी। चंदेल राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित किया था। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन हुआ, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामित्व किस मंत्रालय की एक योजना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक योजना है स्वामित्व योजना। अब ये क्या होता है जरा समझिएगा।
तो स्वामित्व का पूरा रूप होता है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, इसका मतलब है गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तत्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण करना। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। यहीं पर जरा लिख लेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, क्लियर, लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में श्याम जी कृष्ण वर्मा के योगदान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपको गलत दिया हुआ है। तो पहले कथन पढ़ना इसमें जरूरी है, तब पहचान होगा कि कौन सा गलत है। इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, बिल्कुल ही सही है। वह इंडिया हाउस के संस्थापक थे, ये भी सही है। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, ये बात बिल्कुल ही गलत है श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में। इन्होंने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का संपादन किया था, ये भी बात बिल्कुल ही सही है। तो आपका आंसर निकलता है कि गलत कौन है श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में, तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, यही बात उनके बारे में गलत है। ध्यान दें कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना फरवरी 1905 ईस्वी में किया था, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का संपादन श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 से 1914 ईस्वी तक और फिर 1920 से 22 ईस्वी के बीच किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत फरवरी 1930 ईस्वी में कांग्रेस का समिति द्वारा पूर्ण स्वराज प्राप्त करने हेतु प्रारंभ किया गया था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथरनेट एक उदाहरण है, इसका उदाहरण है तो इथरनेट जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण होता है। इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने का एक प्रोटोकॉल होता है इथरनेट, जिसका अभिकल्पना या इसकी संकल्पना 1973 ईस्वी में बॉब मेटकॉफ ने किया था। यानी इथरनेट का जनक किसे माना जाता है, 1973 ईस्वी में बॉब मेटकॉफ को माना जाता है। हालांकि बाद में डिजिटल इंटेल और जेरोक्स के प्रयोग से यह लोकल एरिया नेटवर्क का एक मानक प्रतिरूप बन गया। इथरनेट जो है वो केबलों के माध्यम से विस्तारित किया जाता है, क्लियर। यानी केबल के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू में इसे जोड़ दिया जाता है और इंटरनेट का फायदा उठाया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क के तौर पर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं, राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपने वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। अब जरा देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग के गठन की चर्चा है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 320 में किया गया है। इसी अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 320 के तहत संघ लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के पटल पर पेश कराया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं को आजीविकाओं को दान में दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने नागार्जुन पहाड़ियों की गुफाओं को आजीविका के लिए दान दे दिया था, बड़ा अच्छा है। नागार्जुन के आसपास की गुफाएं बराबर गुफाओं में छोटी एवं नई गुफा है और इसमें तीन गुफाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कितनी गुफाएं, तीन गुफाएं नागार्जुनी पहाड़ी के अंतर्गत शामिल होता है, जिसे पहला गुफा है गोपी या इसे गोपी का गुफा कहा जाता है। दोनों नाम याद रखें, गोपी या गोपी का गुफा, गोपी का गुफा। शिलालेख के अनुसार इन्हें लगभग 232 ईसा पूर्व में राजा दशरथ के द्वारा आजीविका संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित कर दिया था, क्लियर। दूसरा गुफा है नागार्जुनी पहाड़ियों के अंतर्गत तो बदीथी का गुफा या गुफा वेदाथिका गुफा के नाम से जाना जाता है, क्लियर। ध्यान देंगे, दूसरा गुफा बदीथी का गुफा कुभा या गुफा, या इसी को वेदाथिका गुफा के नाम से जाना जाता है, यह दरार में स्थित है। तीसरा गुफा है वह बापिया का गुफा कुभा, बापिया का कुभा या गुफा, जिसे मिर्जा मंडी के नाम से जाना जाता है। इन्हें भी दशरथ द्वारा आजीविका के अनुयायियों को समर्पित किया गया था। तो ध्यान रखिए, आपका आंसर आएगा दशरथ के द्वारा समर्पित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित व्यवस्था किया गया है? भाग 9 में पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 9 में 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 के क से लेकर न तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 में इसकी चर्चा मिलती है। सभी बात एकदम क्लियरफाई रखिएगा। भाग 9 में अनुच्छेद 243 में क से लेकर न तक कुल 16 अनुच्छेद है और अनुसूची की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा अनुसूची 11 में किया गया है। क्लियर। 1986 ईस्वी में गठित एलएन सिंधवी समिति की सिफारिश के आधार पर 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। दो सवाल इसमें, किस संवैधानिक संशोधन के तहत? 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत। कब? 1993 ईस्वी में। और किस समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया था 73वां संवैधानिक संशोधन? एलएम सिंधवी समिति के सिफारिश के आधार पर 1986 ईस्वी में एलएम सिंधवी समिति आई थी। क्लियर। वर्तमान समय में नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। ध्यान देंगे पंचायती राज व्यवस्था कहां कहां नहीं लागू है, तो ध्यान देंगे पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य। इन तीनों राज्य नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इन तीनों राज्यों में वर्तमान समय पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है और केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो राजस्थान है, जहां 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नौगांव में लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, तो वो भी ध्यान रखेंगे कर्नाटक था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? ऑप्शन है वांगहो नदी, नील नदी, इरावती नदी और मिसिसिपी नदी। तो नील नदी जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। अब वांगहो नदी की बात करें, इसे पीली नदी भी कहा जाता है, चीन से होकर बहने वाली नदी है। लंबाई के हिसाब से यह विश्व में 7वां स्थान रखती है और पीली नदी अपने बेसिन के रूप में चीनी सभ्यता का उद्गम स्थल इसे कहा जाता है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से यह निकलती है और इसका विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उत्तर पड़ती है। अपने मुहाने पर यह 160 किलोमीटर लंबा एवं 240 किलोमीटर चौड़ा विशाल डेल्टा का निर्माण करता है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास इसी नदी के तट पर हुआ था। क्लियर। मेसोपोटामिया नामक सभ्यता का जन्म इसी नील नदी के किनारे हुआ था। इरावती या इरावदी बर्मा की एक प्रमुख नदी है। यह नदी बर्मा के उत्तर से दक्षिण की दिशा में बहते हुए बर्मा को दो भागों में विभाजित करती है। यह बर्मा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी की बात करें, जो ऑप्शन में दिया हुआ है डी नंबर में, मिसिसिपी नदी उत्तर अमेरिका में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। इसके द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पंचाकार डेल्टा का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान देंगे सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण नील नदी के द्वारा। कितना लंबा? 160 किलोमीटर लंबा और 240 किलोमीटर चौड़ा डेल्टा का निर्माण करता है नील नदी। जबकि सबसे बड़ा पंजाकार डेल्टा का निर्माण किसके द्वारा? मिसिसिपी नदी के द्वारा किया जाता है, जो अमेरिका में प्रवाहित होने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो के साथ मिलान करना। एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरा तरफ राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, यानी उस राज्य से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है उसके बारे में आपको मिलान करना है। तो ध्यान देंगे गुजरात से राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो जाती है वो गुजरात से जाती है 11 राज्यसभा सदस्य। क्लियर। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक से 12 राज्यसभा सदस्य होते हैं। केरल की बात करें तो केरल से 9 राज्यसभा सदस्य होते हैं और राजस्थान से 10 लोग राज्यसभा सदस्य होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में, अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 3-3-4-1-2 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के दल का नेतृत्व कौन करेगा? भारत के दल का नेतृत्व विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू के द्वारा किया गया था। ये वही मीराबाई चानू है जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक विजेता रही थी। अब ये रियाद के सऊदी अरब के रियाद में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 5 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व कर रही है। इस प्रतियोगिता में मीराबाई चानू 49 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगी। इस प्रतियोगिता में 2021 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता विद्या रानी देवी महिलाओं की 55 किलोग्राम स्पर्धा में हिस्सा लेंगी।
ध्यान देंगे यह प्रतियोगिता रियाद 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग प्रतियोगिता होगी। यानी जो रियाद में प्रतियोगिता ही जो हो रहा है, यह प्रतियोगिता 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग प्रतियोगिता हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने सागर परिक्रमा पहल के चरण 5 की शुरुआत की घोषणा की है? बहुत अच्छा है। हाल ही में मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 17 से 19 मई 2023 तक रायगढ़ से काना कोना तक सागर परिक्रमा का चरण 5 आयोजित करने की घोषणा की है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य विभिन्न मत्स्य योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मछुआरों और हितधारकों के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यानी मत्स्य पालन एवं पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत ही सागर परिक्रमा पहल के 5 चरण को लॉन्च किया जाएगा। क्लियर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस नेशनल प्रेस डे किस दिन मनाया जाता है? 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष में प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 1966 ईस्वी में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के तहत पहले प्रेस आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने और इसमें सुधार कर प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करना था। ध्यान देंगे अर्ध न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण के रूप में इसे वर्ष 1979 ईस्वी में संसद के एक अधिनियम प्रेस परिषद अधिनियम 1978 ईस्वी के तहत फिर से स्थापित किया गया था। भारतीय प्रेस परिषद एकमात्र ऐसा निकाय है जो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य में राज्य के उपकरण को भी अधिकार का प्रयोग करता है। क्लियर। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज इसमें से नहीं है? सी, टेट्रा प्लस, फोर्ट्रॉन, जावा या कोबोल। तो सी प्लस प्लस तो है, लेकिन सी टेट्रा प्लस, चार प्लस नहीं है कंप्यूटर का लैंग्वेज। क्लियर। अब बारी बारी समझेंगे। फोर्ट्रॉन के बारे में देखेंगे तो यह पहली उच्च स्तरीय भाषा है कंप्यूटर की, हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत पहला हाई लेवल लैंग्वेज जो है कंप्यूटर का वह है फोर्ट्रॉन, जिसका विकास 1957 ईस्वी में IBM कंपनी के जॉन बेकस ने किया था। यह बीजगणितीय पर आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है। क्लियर। जावा, इस उच्च जावा की बात करेंगे तो यह उच्च स्तरीय भाषा का विकास जो है सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गेसलिंग के द्वारा किया गया था। कोबोल की बात करेंगे तो इस भाषा का प्रयोग व्यवसाय में किया जाता है, इसका पूरा रूप कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। सी प्लस प्लस की बात करें तो यह उच्च स्तरीय भाषा का विकास 1972 ईस्वी में बेल लेबोरेटरीज के डेनिस रिची तथा ब्रायन कर्निंगहम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बेल लेबोरेटरीज तथा के डेनिस रिची और ब्रायन कर्निंगहम के द्वारा 1972 ईस्वी में सी प्लस प्लस उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत क्षरण के लिए प्रमुखतः रूप से जिम्मेवार है? ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या मीथेन। तो क्लोरीन जो है वो CFC जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इसके अंतर्गत क्लोरीन जो है वो ओजोन परत क्षरण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड इत्यादि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में योगदान दे रहे हैं। ओजोन परत के क्षय की जानकारी सर्वप्रथम 1960 ईस्वी में मिली थी। वर्ष 1985 ईस्वी में वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में एक बड़ा छिद्र हो गया है और यह लगातार बढ़ रहा है। ओजोन क्षरण के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते हेतु अंतर सरकारी वार्ता वर्ष 1981 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और मार्च 1985 ईस्वी में ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना में एक विश्व स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कनाडा के मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को विभिन्न देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इसका क्रियान्वयन जो है वो 1 जनवरी 1989 ईस्वी को किया गया था। क्लियर है। अब यह छिद्र ओजोन परत में जो छिद्र हो जाएगा, इसे क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो सूर्य का प्रकाश में पाया जाने वाला प्रवंगनी किरण जो होता है वो डायरेक्ट पृथ्वी के धरातल पर पहुंचेगा, जिससे पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव जंतुओं को त्वचा कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। क्लियर। तो इसी की रोकथाम के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 ईस्वी को विभिन्न देशों के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। इसे ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका क्रियान्वयन जो हुआ वो 1 जनवरी 1989 ईस्वी को। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंगी समिति को गठित किया गया था, क्यों किया गया था सारंगी समिति को गठित, जरा देख लीजिएगा सारंगी समिति क्या है। तो वर्ष 2009 में भारत सरकार ने किसानों के ऋण संबंधी मुद्दों पर कार्य बल का गठन किया गया। इस समिति का गठन भारत में किसानों के ऋण संबंधी मुद्दों की जांच करने के लिए किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष श्री यू सी सारंगी, जो नाबार्ड के अध्यक्ष थे उस समय, तो यू सी सारंगी थे जो जून 2010 में अपनी रिपोर्ट कृषि मंत्रालय को सौंपी थी। क्लियर। तो यह किसानों के ऋण संबंधी मुद्दों पर एक कार्यबल का गठन किया गया था 2009 में, इसे ही कहा गया सारंगी समिति। नाम इसलिए सारंगी समिति रखा गया क्योंकि उस समय नाबार्ड के अध्यक्ष श्री यू सी सारंगी थे और इन्हीं के नेतृत्व, इन्हीं की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया, इसका नाम सारंगी समिति पड़ गया। क्लियर। लेकिन यह रिपोर्ट जो है, सारंगी समिति ने अपनी रिपोर्ट जून 2010 में कृषि मंत्रालय को सौंपी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का फिरोज शाह तुगलक शासक था, तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक, जिसने अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया था। जरा देखिएगा अशोक के स्तंभ लेखों की कुल संख्या कितनी है, 7 है, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और 6 अलग अलग स्थान से प्राप्त हुआ है। अब उसको जरा देख लेते, तो प्रयाग स्तंभ लेख, यह प्रयाग स्तंभ लेख जो है वो पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था, अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया था। दिल्ली टोपरा दूसरा है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, इस स्तंभ लेख में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था, इसे दिल्ली टोपरा को। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है, इसमें मेरठ में, यह मेरठ में पहले स्थित था, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया, यानी दोनों दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ को, दोनों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। रामपुरवा की बात करें, रामपुरवा स्तंभ लेख जो है वो चंपारण बिहार में स्थापित वर्तमान समय में भी है और इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने की थी। पांचवें स्तंभ लेख अशोक का लौरिया अरारेज है और यह वर्तमान समय बिहार के चंपारण में स्थित है। और छठे स्तंभ लेख लौरिया नंदनगढ़ है और यह बिहार के चंपारण में वर्तमान समय में स्तंभ है और यह एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर मोर का चित्र बना हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है, तीन में से कौन सा अशोक के स्तंभ लेख में मोर का चित्र बना हुआ है? तो लौरिया नंदनगढ़ में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान की अगर जब जो बात करते हैं, तो सहारा रेगिस्तान स्थित है हमारा, ऑप्शन है ईरान, दक्षिण अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो सहारा रेगिस्तान जो स्थित है वो हमारा उत्तर अफ्रीका में स्थित है, उत्तर अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान स्थित है। अब देखेंगे विश्व में रेगिस्तान क्षेत्र के आधार पर, मरुस्थलीय क्षेत्र के आधार पर इसका विभाजन जो किया गया है वो कुल 5 भागों में किया गया है। क्लियर। एक सहारा एवं मध्य एशियाई मरुस्थल के रूप में, दूसरा है दक्षिण अफ्रीकी मरुस्थलीय क्षेत्र, तीसरा है उत्तरी अमेरिकी मरुस्थलीय क्षेत्र, चौथा है दक्षिण अमेरिकी मरुस्थलीय क्षेत्र और पांचवा ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थलीय क्षेत्र। क्लियर। ये 5 क्षेत्रों में विश्व के प्रमुख रेगिस्तानी क्षेत्र को विभाजित किया गया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सहारा एवं मध्य एशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत किस किस देश को शामिल किया जाता है? तो सहारा एवं मध्य एशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत थार भारत का भारत पाकिस्तान में स्थित है, थार मरुस्थल, तकलाम कीन जो चीन में स्थित है, गोबी जो मंगोलिया में स्थित है, काराकुम रेगिस्तान जो तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, सोजेम रेगिस्तान जो इसराइल में स्थित है, रब अल खाली मरुस्थल जो अरब में स्थित है और सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका में स्थित है। ये सहारा एवं मध्य एशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीकी मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें कालाहारी जो बोत्सवाना में स्थित है और नामीबिया मरुस्थल जो नामीबिया में स्थित है, ये दोनों ही दक्षिण अफ्रीकी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तीसरा है उत्तरी अमेरिकी मरुस्थलीय क्षेत्र, यह सोनोरोन, इसके अंतर्गत सोनोरोन जो अमेरिका में स्थित है और मोजेब नामक मरुस्थल जो कैलिफोर्निया में स्थित है। तो सोनोरोन और मोजेब मरुस्थलीय दोनों उत्तरी अमेरिकी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले क्षेत्र है, जबकि दक्षिण अमेरिकी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत अटाकामा जो चिली और पेरू की सीमा पर स्थित है, पेंटागोनिया मरुस्थल जो अर्जेंटीना में स्थित है, ये दोनों मरुस्थल को दक्षिण अमेरिकी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत विभाजित किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट डिस्कॉन मरुस्थल को शामिल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के महिला एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीता था? खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पदक जो है वह जीता गया था स्वर्ण पदक। क्लियर, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ध्यान रखेंगे आप, कई बार क्वेश्चन पीछे से भी पूछ देता है। राष्ट्रमंडल खेल तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपका टोक्यो ओलंपिक खेल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये सब चीजों को कंफर्म रखेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के महिला एकल मुकाबले में जो पदक जीता था वो स्वर्ण पदक जीता था। अब ध्यान देंगे राष्ट्रमंडल खेल का यह 22वां संस्करण था 2022 में, जो बर्मिंघम यूके में आयोजित किया गया। इसका शुभंकर पैरी था, पैरी जो है एक बहुरंगी पैल है अमेरिका में, ब्रिटेन में। एवं आदर्श वाक्य जो इसका रहा, ये जो 22वां संस्करण राष्ट्रमंडल खेल का रहा, तो इस राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य सभी के लिए खेल था। इस खेल में चार नया खेल को शामिल किया गया, बास्केटबॉल, महिला T20 क्रिकेट, पैरा टेबल टेनिस, व्हील चेयर बास्केटबॉल को शामिल किया गया। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वज वाहक मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु तथा समापन समारोह के ध्वज वाहक निकहत जरीन एवं अंचत शरत कमल थे। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वज वाहक जो रहे वो मनप्रीत सिंह रहे और पीवी सिंधु रहे, जबकि समापन समारोह का ध्वज वाहक निकहत जरीन और अंचत शरत कमल थे। भारत की तरफ से पहला पदक संकेत सरगर जो कि 55 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक जीता था। स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मीराबाई चानू भारोत्तोलन में जीती इस राष्ट्रमंडल खेल में, और भारत का पदक तालिका में चौथा स्थान रहा ओवरऑल इस राष्ट्रमंडल यानी 22वें राष्ट्रमंडल खेल में, जिसमें 22 स्वर्ण रहा, 16 रजत रहा, 23 कांस्य रहा और कुल मिलाकर 61 पदक भारत के द्वारा जीता गया, चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हंसा 2 किसका नाम है? तो हंसा 2 जो है वो एक प्रशिक्षण यान है, हंसा 2। क्लियर। बेंगलोर स्थित एरोस्पेस लेबोरेटरीज में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निर्देशन में 11 मई 1998 ईस्वी को हंसा 2 नामक प्रशिक्षण यान का परीक्षण हुआ। इसका उपयोग प्रशिक्षण में कम दूरी की यात्रा में, हवाई सर्वेक्षण में तथा फोटोग्राफी में होगा। GSAT-10 एक उपग्रह है, अरिहंत एक पनडुब्बी है तथा धनुष सतह से सतह तक मार करने वाला एक प्रक्षेपात्र है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है? अथर्ववेद। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है वेदों की कुल संख्या, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आप इस बात को ध्यान देंगे, बारीकी से समझेंगे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद इन तीनों वेदों की रचना जो हुई है वो ध्यान देंगे, इन तीनों वेदों की रचना जो हुई है वो ऋग वैदिक काल में हुई थी, ऋग वैदिक काल में हुई थी इन तीनों वेदों की रचना। अतः यही कारण है कि इन तीनों वेदों को वेद त्रयी के अंतर्गत शामिल किया जाता है, लेकिन अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी, जिस कारण से इसे वेद त्रयी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। ध्यान देंगे, अथर्ववेद जो है इसकी रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया था, साथ ही अंगीरस ऋषि भी सहायक के रूप में भूमिका निभाए थे, अतः इस वेद को अथर्वांगीरस वेद के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे बाद का वेद है, इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म इत्यादि की चर्चा मिलती है। इस वेद का एक उप वेद है जिसका नाम है शिल्प वेद, और इस शिल्प वेद की रचना विश्वकर्मा ऋषि के द्वारा किया गया था। इस वेद को भेषण वेद के नाम से भी जाना जाता है। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। क्लियर। अब ऋग्वेद की बात करेंगे, तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री के नाम से जाना गया है, और यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 8 अष्टक, 10 मंडल, 228 सूक्त और 10,465 ऋचाओं की चर्चा की गई है। भगवान के श्लोक यानी स्तुति की चर्चा इसी ऋग्वेद में किया गया है। क्लियर। ध्यान देंगे, ऋग्वेद का एक उपवेद है आयुर्वेद, और इस आयुर्वेद की रचना धन्वंतरी जो चिकित्सा के जनक कहे जाते हैं धन्वंतरी के द्वारा किया गया था, और इस आयुर्वेद में चिकित्सा व्यवस्था की ही चर्चा की गई है, चिकित्सा के निवारण की, चिकित्सा के कारण की, विभिन्न प्रकार के चिकित्सा व्यवस्था की चर्चा आयुर्वेद में किया गया, जिसकी रचना धन्वंतरी ने की। क्लियर। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन सा वेद है जिसका संबंध चिकित्सा व्यवस्था से, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद का संबंध चिकित्सा व्यवस्था से। क्लियर। जिसकी रचना धन्वंतरी ने की। अब ध्यान देंगे, सामवेद, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, इसके ज्ञाता को उदात्री कहा गया है, और इसका एक उपवेद है जो है गंधर्ववेद।
इस गंधर्व वेद की रचना भरत मुनि के द्वारा किया गया है। यजुर्वेद की चर्चा करें तो इसे गद्य एवं पद वाला वेद यानी कि कविता एवं कहानी की चर्चा इसमें मिलती है। श्लोकों को कविता एवं कहानी के रूप में प्रदर्शित किया गया है, इस कारण से इसे गद्य एवं पद वाला वेद कहा जाता है। इसके ज्ञाता को अधर्व्यु के नाम से जाना गया है और इसका एक उपवेद है धनुर्वेद और इस धनुर्वेद की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक हीटर है और इस हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 7 वोल्ट है। जब यह स्रोत से 40 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़कर 150 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा जो है वो कितनी हो जाएगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखेंगे विभवांतर V1 बराबर कितना दिया हुआ है, तो ध्यान देंगे 60 वोल्ट दिया हुआ है। क्लियर। और V2 का मान कितना दिया हुआ है, तो V2 का मान दिया हुआ है 150 वोल्ट। क्लियर। और कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो I बराबर कितना दिया हुआ है, 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसको लिख देंगे I1। और आपको हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा के बारे में ज्ञात करना है, यानी I2 का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, नहीं दिया हुआ है। क्लियर। तो ओम के नियम के अनुसार क्या कहता है, ओम का नियम भी समानुपाती आई, यानी भी बराबर आई होता है, भी समानुपाती आई। तो हम कह सकते हैं V1/V2 यानी भी बराबर I1/I2, तो ओम का नियम कहता है भी समानुपाती आई, भी बराबर आई। तो आप देखेंगे V1 का मान दिया हुआ है 7 वोल्ट, V2 का मान दिया हुआ है 150 वोल्ट, I1 का मान दिया हुआ है 4 एम्पियर और I2 का मान हमें निकालना है। तो I2 बराबर इधर क्या हो जाएगा, 4 × 150/7, इससे इसको काट दीजिए, 2 × 4 3 × 6 और 3 × 5 15, 5 × 10 एम्पियर की धारा जो प्रवाहित होगी, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम कंप्यूटर कौन सा, सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 इसमें विकसित किया गया वो कौन था, तो ध्यान रखिएगे क्रेफर्स्ट पहला सुपर कंप्यूटर विश्व का था जो 1976 इसमें विकसित किया गया था। ध्यान देंगे यह क्रेफर्स्ट जो है वो क्रे रिसर्च कंपनी अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था। यह इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है वो परम 8000 है जो सी डेक द्वारा 1991 ईस्वी में विकसित किया गया था। सुपर कंप्यूटर की क्षमता फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड पर आधारित होती है। विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक सेमूर क्रे को माना जाता है, जबकि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय पांडुरंग भट्टकर को माना जाता है। दोनों बात याद रखेंगे, विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक सेमूर क्रे और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय पांडुकर भट्टकर को माना जाता है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट रहा 1976 ईस्वी में, जबकि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 रहा जो 1991 ईस्वी में सीडेक के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी समिति का संबंध पंचायती राज संस्था से नहीं रहा है, तो पंचायती राज संस्था से किसी न किसी प्रकार से संबंधित नहीं रहा है। ऑप्शन में दिया हुआ PVN राव समिति, LN सिंधवी समिति, अशोक मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति। तो ध्यान देंगे PVN राव समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से किसी भी तरह से संबंधित नहीं रहा है। LN सिंधवी समिति जो है वो 1987 ईस्वी में आया था, जिसके तहत 73वीं संवैधानिक संशोधन 1993 ईस्वी के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी 1977 ईस्वी में। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप में विभाजित किया था। क्लियर। तो ध्यान देंगे पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु समितियों में LN सिंधवी समिति 1986 ईस्वी के तहत 1987 ईस्वी में गठन किया गया था इसका। अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाया, जबकि बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में आया था। PVN राव समिति किससे है, तो ध्यान देंगे 1991 ईस्वी में भारत को भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा और इसलिए तत्कालीन PV नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव किए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रेक इवन बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन बिंदु क्या होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है लाभ और लाभ बिंदु जिसे कहा जाता है हिंदी में, ये उत्पाद की वह मात्रा है जहां कुल लागत कुल विक्रय के बराबर होती है, कुल लागत कुल विक्रय के बराबर हो जाती है और एक संगठन न तो लाभ प्राप्त करता है और न ही हानि का भुगतान करता है, इसे ही ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। क्लियर, ब्रेक इवन पॉइंट इसे ही कहा जाता है। तो वह स्थिति जब फर्म को ना तो लाभ हो रहा हो और ना तो हानि हो रहा हो, ऐसी स्थिति को ब्रेक इवन बिंदु कहा जाता है। इसका सूत्र की बात करेंगे तो एफ बटा एस माइनस बी होता है। बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट कुल नियत लागत बटा प्रति इकाई विक्रय लागत माइनस प्रति इकाई प्रवर्तनीय लागत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात कितना रहा है? तो 9 × 18 बिहार का लिंगानुपात 918 रहा है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 918 बिहार में है। ध्यान देंगे 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है, जिसे 9 × 18 भी याद रख सकते हैं। यह राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात जो कि राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, भारत का लिंगानुपात 943 है, से 25 कम है बिहार की लिंगानुपात दर भारत की तुलना में। क्लियर, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बिहार का देख लिया जाए तो गोपालगंज है, जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ही अधिक है, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात है 1021 है यहां का गोपालगंज का। दूसरे स्थान पर सिवान का है 988, तीसरे स्थान पर सारण का 954 और चौथे स्थान पर किशनगंज का 950 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बिहार का मुंगेर है, जहां 876 प्रति 1000 पुरुष पर महिला की संख्या है। भागलपुर दूसरे स्थान पर सबसे कम लिंगानुपात वाले जिला में से है, 880 है भागलपुर का। खगड़िया तीसरे स्थान पर 886 और शिवहर चौथे स्थान पर 893 है। क्लियर, अगर राज्य स्तर पर बात किया जाए कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 876 हरियाणा। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? वो है मेहरगढ़। यह मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है, मेहरगढ़। क्लियर, मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है, जहां नवपाषाणिक युग जो कि 7000 ईसा पूर्व से लेकर 3300 ईसा पूर्व के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। यह स्थान विश्व के उन स्थानों में से एक है जहां प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों से पता चलता है कि यहां के लोग गेहूं एवं जौ की खेती करते थे तथा भेड़ बकरी एवं अन्य जानवर पालते थे। मेहरगढ़ आज के बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। मेहरगढ़ से प्राप्त होने वाली अन्य वस्तुओं में बुनाई की टोकरियां, औजार एवं मन के जो बड़ी मात्रा में मिले हैं, बाद के स्तरों में मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार, हथियार और समाधियां भी यहां पर मिली है। इन समाधियों से मानव समाधान के साथ ही वस्तुएं भी मिली है, जो इस बात का संकेत है कि मेहरगढ़ वासी धर्म के आरंभिक स्वरूप से परिचित थे। इस मेहरगढ़ स्थल की खुदाई 1977 ईस्वी में हुई थी। इस खुदाई में यहाँ से नवपाषाण कालीन से लेकर कांस्य युगीन तक के प्रमाण मिलते हैं। यह 8 स्तर में हमें लगभग 5000 वर्षों के इतिहास की जानकारी देते हैं और आज से लगभग 9000 वर्ष पूर्व का है। वही सबसे नया स्तर कांस्य युग का है और तकरीबन 4000 वर्ष पूर्व का है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सबसे अधिक संख्या में खनिज ब्लॉकों की नीलामी की घोषणा की है? सबसे अधिक संख्या में मध्य प्रदेश के द्वारा सबसे अधिक संख्या में घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश में 14 जुलाई 2023 को 51 खनिज ब्लॉक की रिकॉर्ड संख्या की नीलामी के लिए निविदा आमंत्रण सूचना जारी की है। यह किसी भी राज्य द्वारा एक ही चरण में नीलामी के लिए अधिसूचित खनिज ब्लॉकों की सबसे अधिक संख्या है। इन 51 ब्लॉकों में 14 खनिज शामिल है, जिनमें रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिज जैसे ग्रेफाइट और वैनेडियम प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और अन्य प्रमुख खनिज एवं मैंगनीज बॉक्साइट चूना पत्थर लौह अयस्क बेस मेटल और सोना शामिल है। बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल की राज्य सरकार ने 2015 से किसी भी ब्लॉक की नीलामी नहीं की है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस बार के खनिज ब्लॉक नीलामी में कौन सा राज्य हिस्सा नहीं लिया है? तो ध्यान देंगे बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल राज्य है जो नीलामी में हिस्सा नहीं लिया 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसंस बीमारी के उपचार के लिए के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह है आर्विड कार्लसन।
आर्विन आर्विन कार्लसन को पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। डोपामाइन में जो मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इस रोग से प्रभावित होता है, इसकी खोज आर्विन कार्लसन ने 1958 ईस्वी में की थी और सन 2000 में इन्हें इस खोज के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन में यानी चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व के कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील के सैंटोस पतन को कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। विश्व का सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील में 50% अकेले होता है। ब्राजील में कॉफी का सबसे अधिक सैंटोस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। साओ पाउलो को कॉफी या कहवा प्रांत के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे, सैंटोस एक बंदरगाह है, यहाँ से सबसे ज्यादा कॉफी का निर्यात किया जाता है ब्राजील का, क्लियर? तो सैंटोस बंदरगाह इसे कहा जाता है। जबकि साओ पाउलो के क्षेत्र में, ब्राजील में साओ पाउलो है, वहां सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसे कहवा प्रांत या कॉफी प्रांत के नाम से जाना जाता है। ब्राजील का सर्वाधिक कहवा का निर्यात सैंटोस बंदरगाह से किया जाता है, इसलिए इसे कहवा पतन भी कहा जाता है। कहवा का बागान फजेंडा कहलाता है, जो कहां स्थित है? ब्राजील गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 24 में ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 24 में वर्ष 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे को खतरनाक कारखानों में काम करने से प्रतिषेध किया गया है। तो अनुच्छेद 24 ध्यान रखेंगे 14 वर्ष, क्लियर? बस इतनी याद रखना है। अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया कि बालकों का नियोजन का प्रतिषेध किया गया है जिसमें 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चों को कारखानों तथा अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 19 की बात करें ऑप्शन नंबर ए में, तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इसके तहत कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता वर्तमान समय में है, हालांकि मूल रूप से 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। अब संपत्ति का अधिकार जो था उसको निकाल दिया गया इसे और इसे मूल अधिकार का दर्जा बना दिया गया, इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया, क्लियर? तो बाकी का 6 अधिकार जो बच गया मौलिक अधिकार, वो बोलने की स्वतंत्रता, शांति पूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता तथा कोई भी व्यापार एवं आजीविका चलाने की स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसके तहत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और अनुच्छेद 23 में इसके तहत मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध किया गया है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वदेश दर्शन योजना के तहत विषयगत सर्किटों में से एक के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है? किसे चिन्हित नहीं किया गया स्वदेश दर्शन योजना के विषयगत सर्किटों के रूप में? तो देखेंगे, स्वदेश दर्शन योजना पहले है क्या? तो इसे 2014 से 15 में देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकरण विकास के लिए शुरू किया गया एक योजना था। इस योजना के तहत 15 विषयगत सर्किटों की पहचान की गई, बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, रिजॉर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, जनजातीय सर्किट और वन्य जीव सर्किट। यही 15 सर्किटों को विषयगत सर्किट की पहचान के रूप में किया गया है, क्लियर? तो इसमें कौन सा आपको शामिल नहीं किया गया है? नाम लिए होंगे तो स्पष्ट आ गया होगा, तो ऑप्शन में है तटीय, कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट, डेक्कन सर्किट या उत्तर पूर्व सर्किट। तो डेक्कन सर्किट जो है यह विषयगत स्वदेश दर्शन योजना के तहत विषयगत सर्किटों में शामिल नहीं किया गया है, क्लियर? यह केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषित है और केंद्र एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण हेतु तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के लिए उपलब्ध स्वैच्छिक वित्त पोषण का लाभ उठाने से के प्रयास के लिए किए जाते हैं, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुआ था वो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किया गया था। इसमें था क्या? तो पीएम उज्ज्वला योजना इसे कहा जाता है, यह बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की एक योजना थी। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों के प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, क्लियर? आप ये भी ध्यान रखेंगे कुछ योजनाओं को जो लागू किया गया प्रधानमंत्री के अंतर्गत, जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को लागू किया गया था, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लागू किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लागू किया गया, हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को लागू किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को इसे लागू किया गया था,
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लागू किया गया था। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लागू किया गया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015 को लागू किया गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को लागू किया गया था। ये सभी योजनाएं जो लागू किया गया था, ध्यान आप रखेंगे इसको, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन ने मई 2023 में 12 करोड़ नल जल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की है। जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? यह जल जीवन मिशन जो है वो शुरू किया गया था वर्ष 2019 में, इसे शुरू किया गया था। जल जीवन मिशन ने 16 मई 2023 को भारत में ग्रामीण परिवारों को 12 करोड़ नल जल कनेक्शन प्रदान करने की उपलब्धि को हासिल कर लिया है। यह जल जीवन मिशन जो है, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 73वां स्वतंत्रता दिवस पर अर्थात 73वें स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त, ध्यान रखें 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से किया था। इसका उद्देश्य 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के सेवा स्तर पर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए नया मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय को भी बनाया गया था, क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा रहा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ा बहुत अगर सॉल्व का प्रॉब्लम अगर हो भी जाता है तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, अभी साधन नहीं हो पाने के कारण हम सुधार नहीं पा सकते हैं, तो आप इसको मैनेज कीजिएगा। लेकिन हाँ, आप इसे शेयर कीजिएगा, इसे बढ़ाइएगा, तो जाहिर सी बात है हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। और थोड़ा सा प्रगति होगा तो और अच्छे तरीके से डिजिटली रूप में भी हम आपके सामने आएंगे। तो बस इतना कृपा करिएगा और इतना हमें सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।